बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको मुर्ग चने कहते हैं। ये लाहौर की सबसे बेहतरीन रेसिपी है। इसके लिए मैंने तकरीबन 800 ग्राम 700 ग्राम चिकन है मेरे पास, एक कप बॉइल्ड चने हैं जिनको साल्ट वाटर में, नमकीन वाटर में मैंने बॉयल कर दिया है, आधा कप ऑयल, एक टमाटर, थोड़े से प्याज में ब्राउन हुए हुए, एक प्याज कटा हुआ और एक टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा मेरे पास है एक टीस्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी और एक टीस्पून मेरे पास गरम मसाला, और इसके साथ मैंने आधा कप या 4 टीस्पून जो है वो दही इसमें इस्तेमाल करूंगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट द ऑयल इनटू द वास। Now I put the chicken into the oil for frying. अब मैं चिकन को फ्राई करूंगा और उसके बाद बाकी मसाला जात इसमें डालूंगा। I put the chicken and oil for frying into the cooking pot or into the vas. And I have 1 cup of salt water boiled grams and 700 grams of chicken. Now I fry the chicken until it become white. Then I add the other spices. It is fried well. I also put the onion. इसमें मैं फ्राई होते हुए मुर्ग में प्याज भी शामिल कर दूंगा और इसके साथ मैंने इसमें ये लहसुन भी शामिल कर दिया। नाउ आई पुट द अनियन एंड गार्लिक इनटू द फ्राइंग चिकन। इसमें मैंने प्याज और लहसुन भी शामिल कर दिया और इसको मैं मजीद फ्राई करूंगा ताकि इसके साथ प्याज भी फ्राई हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए और लहसुन जो है उसकी खुशबू जो है और उसका टेस्ट जो है चिकन में अब्सॉर्ब हो जाए, उसमें जज़्ब हो जाए। नाउ ऑनियन गार्लिक एंड चिकन इज वेल फ्राइड। नाउ आई पुट सम टमाटर्स। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, एंड सॉल्ट। नाउ मिक्स इट वेल एंड कुक फॉर क्वाइट सम टाइम। A very nice aroma is coming out of it and it is cooking well. बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आना जो है वो शुरू हो गई है। जो ही टमाटर और मसाला जो इसमें डाले हैं तो इसमें से बहुत ही बेहतरीन जो है खुशबू आना शुरू हो गई है। Now I put a glass of water and then अब इसमें मैं एक ग्लास पानी शामिल करूंगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगा। आई पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन इट एंड मिक्स इट वेल एंड नाउ आई पुट ऑन द लिड एंड कुक इट फॉर 5 मिनट्स। मैंने इसको
ढक्कन लगा दिया है और इसको दम पे लगा दिया है इसको 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद इसको देखूंगा इसको आगे क्या करते हैं। ये बड़ी अच्छी तरह पक गया, आप देखते हैं इसको, वाह और ही नाइस अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है और ये पक्का ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इसमें दही डालूंगा और दही में मैं 2 टीस्पून ये फ्राइड ऑनियन जो है वो शामिल कर लूंगा। अब मैं इसको दही डालने के बाद थोड़ा सा भून लूंगा और उसके बाद इसमें चने शामिल करूंगा और इसको दोबारा से एक दफा 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आई पुट द योगर्ट एंड फ्राइड ऑनियन एंड नाउ आई कुक इट वेल फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देन आई पुट द बॉइल्ड ग्रेम्स एंड सम वाटर एंड देन गिव द Now it is well cooked and now I put the grams into the cooking pan. मैंने उबले हुए चने जो हैं इसमें शामिल कर दिए और ये पककर तैयार हो गया और इसमें मैंने उबले हुए चने जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है इसमें से और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा और इसको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगा ताकि चने जो हैं वो मसाले में से चिकन का जो जायका है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें, अपने अंदर जज़्ब कर लें। सो आई कुक इट फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर एडिंग सम वाटर एंड देन आई पुट इट ऑन द स्टीम। आई एड 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड नाउ आई मिक्स इट वेल और इसको मैंने अच्छी तरह हल्का मिलाकर मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगा और इसको 5 से 6 मिनट तक दम लगाऊंगा। नो आई पुट ऑन द लिड एंड कुक इट अंडर द स्टीम फॉर 5 to 6 मिनट्स। हैज बीन कुकिंग फॉर 6 मिनट्स एंड लेट इट चेक। वाओ वेरी नाइस अरोमा कमिंग आउट ऑफ दिस एंड It is almost complete. Wow, look at the color, look at the grams are tendered well, chicken is well tendered, everything is all right. इसमें चिकन जो है बड़ी अच्छी तरह गल गया है, चने भी बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और अब जो ही ये ठंडा होगा इसके मैं फ्लेम ऑफ करूंगा तो इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसको मिक्स स्पाइसेस के साथ इसको मैं गार्निश करूंगा। आई गार्निश इट विद गरम मसाला और मिक्स स्पाइसेस एंड पुट ऑफ द स्टोव। नाउ इट इज रेडी अ ब्यूटीफुल वेरी टेस्टी डिश इज रेडी। इट इज वेरी फेमस डिश ऑफ लाहौर एंड इवन इन ऑल द पंजाब। प्लीज लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, Share my channel with friends, family members and people around you. If you have any question in your mind, please write in the comment box. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई तजवीज़ हो तो उसको कमेंट बॉक्स में तहरीर कीजिए, मैं आपकी तहरीरों का मुंतजर रहूँगा। आई शेल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू for watching my videos and giving time to me. I shall be there with you once again with another very good, nice, tasty, mouth-watering recipe. Until then, Allah Hafiz, bye-bye.
मैं आपके सवालों के जवाब का देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और आपके सवालों का मुंतजर रहूंगा। अल्लाह हाफिज।